अस्सलाम वालेकुम। आप ये मीना देख रहे हैं, मीना देख रहे हैं, ये आप देखें, यहाँ शावर चल रहे हैं। बहुत ही प्यारा मौसम दोस्तों हुआ है, गर्मी है लेकिन मौसम फिर भी ठीक है। ये सामने आपको जमरात नज़र आ रहे हैं, ये कैटेगरी के ये मीना खेमे हैं, कैंप नंबर 1-56। ये आपको मैं दिखाऊं अभी, ये खाने का इंतज़ाम, ये कैटेगरी का मौका, कैंप नंबर 6, मकतब नंबर 2, सॉरी मकतब नंबर 2, मकतब नंबर 2 के इंतज़ाम यहाँ होते हैं। ये मैं आपको अभी सारा दिखाता हूँ। हजाज ग्रुप की तरफ से यहाँ खेमे लगे हुए हैं, ये दारुल इस्लाम पाकिस्तान की तरफ से, रॉयल ट्रैवल एंड कार्गो सर्विस हैदराबाद इंडिया। ये आप देख लें, ये आपको यहाँ जो होगा, ये ज़रा आप देखें, ये बिल्कुल VIP माहौल है यहाँ पे दारुल इस्लाम खेमा नंबर, कैंप नंबर 2, बुफेट VIP। ये सारा इंतज़ाम यहाँ 24 आवर सर्विस होती है। आगे ये मकतब नंबर 6 शुरू हो गया है, ये आप देखें, ये अल खैर हज उमरा ट्रेवल्स की तरफ से, ये सारे कैंप उसी की तरफ से लगाए हुए हैं। ये पाकिस्तान की काफ़ी बड़ी कंपनी है, अल खैर ऑर्गेनाइजेशन। ये आप देखें, अल खैर 22 और 23, ये मेल है, 45 की तादाद है इस खेमे के अंदर। ये सामने 2 नंबर मकतब है और ये 7-6 नंबर। ये कैटेगरी के मकतब बहुत ही खूबसूरत मकतब हैं। ये मैं अभी इनका वॉशरूम आपको दिखाता हूँ, ये आप देखें वॉशरूम, वॉशरूम भी काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। ये अभी मैं आपको इनका बुफे सिस्टम भी दिखाता हूँ, मकतब नंबर 6 में अल खैर हज एंड उमरा की तरफ से, ये सारा बुफे इनकी तरफ से तैयार है। सामने सभी डिशेस, ये 24 आवर सर्विस, कोल्ड ड्रिंक, वाटर, कॉफ़ी वगैरह सब के। ये सारा बंदोबस्त अल खैर हज और उमरा की तरफ से है। शिराजी ट्रैवल्स, चन्नार ट्रैवल्स, ये कंपनी भी शायद मेरा ख्याल है कराची की है। ये 2-3 कंपनियों ने मिक्स ये सारा मकतब नंबर 6 कैटेगरी में ये तैयार किया हुआ है। ये आप देखें, इन्होंने ये गली में बड़ी खूबसूरती बनाई हुई है। ये हाजी सब यहाँ बैठे हुए हैं माशाल्लाह।
बहुत ही प्यारा लोकेशन इन्होंने दी हुई है यहाँ। तो ये सारा तकरीबन अरेंज अल खैर उमरा उल हज वालों की तरफ से है, शेराजी ट्रैवल्स और चिन्ना ट्रैवल उनके साथ है। यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा खेमे इन्होंने लिए हुए हैं। ये तकरीबन यहाँ तक सारी तकरीबन मेरे अंदाजे में तकरीबन 400-500 आदमी इनकी तरफ से आया हुआ है।